मामला ये है कि पूरे मुहर्रम भर 15 दिन 10 दिन पहले ही से सड़क पर शेखपुर आशिक में एनक्रोचमेंट करके सड़क के आर पार मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और उसमें पता नहीं उनकी भाषा में क्या क्या लिखा है और हिंदुओं को बाध करा जाता कि उसके नीचे से जाइए। कुंडा से इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुहर्रम को लेकर एक बार फिर से मजफी गेट बनाए जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिस बीच भद्री नरेश राजा उदय प्रताप अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल मुहर्रम पर्व के पहले ही बीच रास्ते पर एक मस्जिद के प्रकार का एक गेट बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गेट के नीचे से हिंदुओं को जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इस मजफी गेट को तत्काल हटाया जाए वरना यह धरना यूं ही जारी रहेगा जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं को आहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की शिकायत की उसके बावजूद भी तहसील और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस गेट को तुरंत हटाया जाए फिर धरने को समाप्त किया जाए। वहीं क्षेत्रीय लोगों में चर्चा है कि मुहर्रम के त्यौहार पर ये नई परंपरा खोल दी गई है। इससे पूर्व जो भी गेट मुहर्रम के बनाए जाते थे दोनों तरफ बल्ली लगाकर उस पर चादनी लपेटी जाती थी, इस तरीके का गेट कभी नहीं बनाया जाता था लेकिन इस बार एक नया चीज़ खोल दिया गया है। दरअसल शेखपुर मुहर्रम के दिन हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे का आयोजन राजा उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया जाता है लेकिन 2016 में जो है वो 2016 के बाद से इस पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है। इस बीच आपको बता दें लगातार तनावपूर्ण माहौल रहता है, मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया निकालने का प्रयास करते हैं जबकि राजा उदय प्रताप सिंह हनुमान मंदिर पर भंडारा कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। 6 साल से मुहर्रम पर पुलिस को शेखपुर में खासी चौकसी बरतनी पड़ती है। 2 दिन पहले SSP पश्चिमी रोहित मिश्रा शेखपुर आए थे, उन्होंने ताजियादारों से बातचीत करके कहा था कि कोई नई परंपरा नहीं खोलने की बात कही थी। इसके बावजूद शेखपुर आंशिक में मदियापुर रोड पर नया गेट बना दिया गया। क्षेत्रीय लोगों में चर्चा है कि मुहर्रम के त्यौहार पर यह नई परंपरा कैसे खोल दी गई है और इससे पहले इस तरीके का गेट जो है मुहर्रम पर नहीं बनाया जाता था। दूसरी ओर इस गेट के बजाय बनाए जाने से लगातार लोगों में नाराजगी भी है और यही कारण है कि राजा उदय प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए 2 दिन पहले शेखपुर गांव में इससे मुसलमानों ने सड़क के कहा था कि आर पार मस्जिद का गेट बना दिया गया जिस पर उनकी भाषा में कई चीज़ें लिखी हैं और उस गेट के नीचे से हिंदुओं को आने जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही ट्वीट करके मुख्यमंत्री से हिंदुओं से कहा था कि शिकायत करें ताकि गेट हटवाया जा सके वरना एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। कुंडा प्रतापगढ़ शेख स्थित शेखपुर गांव में मुसलमानों ने सड़क के आर पार जो गेट बनाया है उसको लेकर विरोध जारी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है राजा। महाराज जी आज किस बात को लेकर आप धरने पर बैठे हैं, पूरा मामला? मामला ये है कि पूरे मुहर्रम भर 15 दिन 10 दिन पहले ही से सड़क पर शेखपुर आशिक में एनक्रोचमेंट करके सड़क के आर पार मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और उसमें पता नहीं उनकी भाषा में क्या क्या लिखा है और हिंदुओं को बाध करा जाता कि उसके नीचे से जाइए आप। ये तो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करा जा रहा है और इसकी हम FIR भी कर सकते हैं, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की FIR भी कर सकते हैं मगर पूरा जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन एक्शन हिंदुओं के पक्ष में कभी लेता नहीं जल्दी, इसलिए हमको धरना बैठना। इस पर PWD ने कोई कार्रवाई नहीं करी? PWD को करना था, हर साल क्यों लगने देती है? PWD भी कुछ नहीं करती। आपने ट्वीट किया था इसको, इस पर प्रशासन ने या सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब मांग क्या है महाराजा? अब मांग है कि वो हटाया, अवैध चीज़ हटाया जाए, हमारी धार्मिक भावना को ठेस लग रही है, हम क्यों जाएं उसके नीचे भैया? तो जब तक वो हटेगा नहीं आप धरने पर रहेंगे? हम तो बैठे हुए हैं, अब आगे देखिए क्या, आज तो हम बैठे ही हुए हैं और हमारी योजना तो यही है कि हटाया जाए तब हम हटेंगे यहाँ। धन्यवाद।